देखो, ये NCERT PT प्लस मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ख़ासतौर से मेंस के लिए इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे जो आते भी हैं, मतलब मेंस का सीधा सिलेबस का टॉपिक है वो, तो इम्पोर्टेंट हो जाती है NCERT। जैसे उद्योग वाला चैप्टर है वो डायरेक्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भारत का संविधान उद्देशिका, अब की बार क्वेश्चन आएगा देख लेना इससे। हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इतने दोहरे संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मपित करते हैं। एक बार ही संविधान संशोधन हुआ है, संविधान 42 संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 से प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है और एक राष्ट्रीय एकता के स्थान पर चेंज किया गया, एकता और अखंडता डाला गया है। अभी देखिए, रिसोर्स वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी, तो ये चीज़ याद रखना, इम्पोर्टेंट है चैप्टर। मोना और राजू अपने घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखे, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, मोना ने कहा। इसलिए महत्वपूर्ण है, अम्मा ने कहा, यह संसाधन है। संसाधन क्या है, अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। अपने चारों ओर देखिए कि निरीक्षण कीजिए, आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुँचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी एक संसाधन है। एक चीज़ यहाँ नोटिस करो, आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, मतलब समझ रहे हो, ये होते भाई इक्वल सोसाइटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सोचो यहाँ पे मदर क्यों नहीं डाला। तो ये देखो, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब चाहती है कि ये बदलाव होना चाहिए। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्यपुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है, उनमें सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है इसलिए वे उपयोगी है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता तथा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इस मूल्य प्रदान करते हैं, सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। पेटेंट क्या होता है, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है पेटेंट, और पीटी में बहुत क्वेश्चन पूछे हुए हैं पर थोड़ा वो, जैसे पेटेंट भारत का क्या कानून है उस पर इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे हुए हैं। मूल्य का अर्थ महत्व होता है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणतः धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम बुद्ध दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है लेकिन यदि वे पेटेंट कराने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। तो याद रखना, ये भी हो सकता है भूदृश्य, जैसे आजकल पर्यटन जाओगे वहाँ पर लेने पैसे ले सकते हैं। प्रौद्योगिकी क्या होती है, किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं पहले बता रहा हूँ मेंस के लिए। अरे ऐसे में डाल सकते हो, जैसे मैंने एक ऐसे लिखा था तो उसमें मैंने डाला था कि अफ्रीका में देखो रिसोर्स है परंतु वहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण वो रिसोर्स कोई काम नहीं आ रहा उनका, परंतु वहीं जब देखो टेक्नोलॉजी आती है तो सनलाइट को रिसोर्स में चेंज किया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों लोगों की आवश्यकता से संबंधित है, लोग समय ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोजी है
जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज आविष्कार होते हैं। आपकी खोज से खाना पकाने, हाँ बोलो एट क्या हो गया? का पढ़ा रहे हैं। हाँ, 8th क्लास 7th कंप्लीट हो गया था ना कल। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। सोचो, पहले संसाधन नहीं थे, एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन, इसलिए मैं भी एक महत्वपूर्ण एक संसाधन हूँ। संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। मानव खुद भी एक संसाधन है, इसलिए हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज, सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में बहुत सी प्रकृति के निःशुल्क उपहार है और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन, याद रखना, इस टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे आपकी बार मिलान वाला क्वेश्चन पूछ लिया था, प्राथमिक सेक्टर में क्या आता है ये सब, तो ये क्वेश्चन भी जाके बन सकता है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, जिनका मतलब अपन बार बार यूज कर सकते हैं। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद नवीकृत तथा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं, जैसे कोयला हो गया, तेल हो गया। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। ये चीज़ याद रखना, भूभाग पर निर्भर करेगा, जलवायु पर, ऊंचाई जैसे अनेक कारकों, भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। प्रतिपरिन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। संसाधनों का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। ठीक है, मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ जब संसाधन बन जाते हैं तब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लोहे अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मुन्ना ने समझाते हुए कहा, हाँ राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। मानव संसाधन, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान तथा कौशल, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं, यह UPSC PET में पूछा हुआ है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है, ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया है, मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिक तथा शारीरिक से। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। बात तो सही भी है। सोचो कि कोई चीज़, जैसे आज अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने पे आ चुके हैं, तो कौन बनाया भाई? मेन नहीं तो बनाया, कौन मेन? जो मानव रिसोर्स था उसने, अनपढ़ व्यक्ति ने इसलिए बनाया। देखो, सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। यह सब ज्ञान और शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ है कि हम इसका समाधान निकाल पाए हैं। तो सभी की बात, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनसे समाधान निकाले जा सकते हैं। सतत पोषण विकास, ये भी पेशेंट ने पूछा हुआ है। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी को अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूरी होती रहे। ये डेफिनेशन आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। संसाधन संरक्षण, मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा,
उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है, सारे पेड़ कट गए हैं। जहाँ पर न तो छाया थी और न कुछ खाने पीने के लिए था, लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा ये सच भी हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वो बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और नवीकरणीय संसाधन नीचे ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया, आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद होनी चाहिए। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। इसीलिए यूपीएससी ने रिसाइकिल 2R वाला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, जो 3R वाला यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। कुछ शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना एक बहुत अच्छा कार्य है। जैसे ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। मुस्तफा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा, जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू उनके मित्रों ने किए। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारे कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय है, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि से कम किया जाए। अभी देखो, ये सतत पोषण है उसके डेफिनेशन, और ये पॉइंट आप मेंस के लिए डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सतत पोषण विकास के कुछ सिद्धांत है। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करके करने योग्य बनाना। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहीं पे भी सतर्क पूछने वाला क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं। चलो नगीना बताइए, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है? क्योंकि सर कुछ संसाधन तो ऐसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं जैसे पेट्रोलियम, और जब तक हमारे पास प्रौद्योगिकी और हमारे ह्यूमन कुशलता नहीं होगी तब उसको यूज कैसे कर पाएंगे? जैसे जैसे हमारी कुशलता बढ़ती जाएगी, टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, अब संसाधनों का जो हमारे आस पास है उनको संसाधन के रूप में उपयोग करना शुरू कर देंगे। ये सही जवाब दे रही हो आप। मैंने बोला भी था कि पृथ्वी पर संसाधन वितरण किन किन कारकों पर निर्भर करता है। भू आकृति हो गया, जलवायु हो गई, ऊंचाई, वनस्पति जैसे भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। जब इनमें विभिन्नता पाई जाएगी तो वह स्वाभाविक सी बात है पृथ्वी पर संसाधन वो होंगे। संसाधन तो सर तब बनेगा ना जब हम उसको यूज करना शुरू करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। अरे तो भाई कुछ संसाधन तो कोई जरूरी, चलिए जल तो जल संसाधन ही है। चलो सना बताइए, संसाधन संरक्षण क्या है? सर संसाधनों का उपयोग करते हुए भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए उचित उपयोग। वो तो सतत पोषण विकास होगा, संसाधन संरक्षण क्या होगा? सर यही तो होता है। अरे वह तो वो होगा, आप सोचते क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। सर संसाधन संरक्षण वही होगा ना, हम अपने संसाधनों को उचित उपयोग करें और आगे की उसके पीढ़ी के लिए बचा के रखें। उठाए फेंक दो, यहीं पे आया हुआ था संसाधन संरक्षण क्या है, कहाँ सोते रहते तुम लोग? ऊपर करो सर। सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। अरे देखो, सतत पोषण विकास, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषण विकास कहलाता है। चलो नूरी बताइए, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? जी सर, क्योंकि मानव संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों का निर्माण कर सकता है।
और बस एक लाइन में आंसर। एक ही लाइन है। चलो चलो पूजा संचरी बताइए, तकनीक है निम्नलिखित में ना। से कौन से संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? मात्रा को निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है छोटी? सदियों चलो सना बताइए, अनुकरणीय संसाधन क्या है बताइए। सीमित भंडार वाले। सही है ये। अभी देखो ये नोट डाउन कर लो, ऐसे के लिए सब जगह ऐसे क्या जीएस में भी डाल सकते हो, ये समझ में आया? रही मन पानी रखिए बिनु पानी सब सोन पानी रे न उबरे मोती मानुष जो। तो लैंग्वेज कौन सी है ये? तो ये याद रखना, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानस चुन। ऐसे में आप कहीं पे भी वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है वहाँ पे डाल सकते हो। जीएस की आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लेना। चला जाओ नेक्स्ट चैप्टर। हाँ बताइए नगीना, जो मैंने उस दिन मेंस का क्वेश्चन दिया था लिखने का, किसी ने लिखा? तो आप तुम लोगों से एक आंसर भी नहीं लिखा जा रहा, अब तुम समझ लो। पूजा, नूरी, सना बताइए क्यों ऐसे यार, सातों गिला से क्या कर होगा? दिया था आपने परसों दिया था ना सर। तो क्लास नहीं देखी सर। यही करो, तो बताइए जवाब दीजिए मुझे कोई, क्यों नहीं लिखे हो आप लोग? कुछ जवाब है आप लोग के पास? फिर आप बोलोगे सर हमसे 3 घंटे नहीं लिखा था, तो काजल कहाँ है आजकल? वो तो पढ़ाई वढ़ाई से मोह माया से ऊपर ही उड़ गई है। 3 घंटे अब तुम लोगों से 5 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं लिखा जा रहा, क्या होगा रे भाई तुम लोगों का? हाँ ये कर लो, कि क्वेश्चन तो लिखो मत। तंजानिया अफ्रीका के छोटे गांव में मांबा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। ये ऐसे ही कोई एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसके पीछे कुछ ना कुछ होता है। आपके इसे स्टडी में बना के डाल सकते हो चीज़ें। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वहाँ कुछ घंटों के बाद लौटती है। उसके उपरांत वह घर के कार्य में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। एक लड़की की स्टोरी बता रहा है, कैसे लड़की घर के कार्य में इन्वॉल्व होती है पढ़ाई वढ़ाई से दूर। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मांबा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये तो बता दिया कहाँ का, तंजानिया अफ्रीका का, जो वो हाल है वहाँ पे। ये देख लो, विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। 60% भाग तो खुला है, शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन परिक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब वह पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। अब जैसे कैसे हायर टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे एग्रीकल्चर की जा रही है। मांबा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। ये विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन संस्थानों इस स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। भूमि, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, थोड़े से प्रतिशत के भी
के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाकरंत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल तथा निर्जन है। ये चीज याद रखना। और मैदानों और नदी घाटियों में कृषि की उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र है। जैसे ऑस्ट्रिया में साल्ज़बर्ग, सो जहाँ कितनी पॉपुलेशन है इतने एरिया में, पर इधर देखो इधर खाली पड़ा है। भूमि उपयोग, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप मांबा और पीटर के परिवार के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? अब कौन जागा? अमित कहाँ सोए रहते हो? भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, ये चीज याद रखना, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जैसे गांव में कहीं आप देखते होंगे कि एक चारा का भूमि होते हैं, उसी को अपन सामुदायिक भूमि बोलते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाता है। इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। स्वाभाविक सी बात है, जैसे जहाँ लैंड होती थी, खेती होती थी, वहाँ एग्रीकल्चर कल्चर था, परंतु आज मकान बन गए, स्वाभाविक सी बात है कल्चर तो परिवर्तन आए गए नहीं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूसंकलन, मृदा प्रदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऐसे एग्रीकल्चर हो रही थी, कुछ ही घर रह रहे थे यहाँ पे। अब यहाँ पे पक्के मकान बनने लग गए हैं, ठीक है। यहाँ देखो पक्का मकान बन गया है। खेती तो यहाँ पे भी हो रही है, पहले देखो हलों से हो रही थी, अब ट्रैक्टर से हो रही है। अब आगे देख के जाओ, अब यहाँ पे और शहरों का निर्माण हो गया पूरे। अब ये फसल ना होकर अब ये गार्डन वार्डन बन गए हैं, देखो ये पूरा ख़त्म हो गया है। समय के अनुसार परिवर्तन होता है, परंतु इन्वायरमेंट की जो बेसिक चीज़ें वो जरूर बनी रहनी चाहिए। भूमि संसाधन का संरक्षण, बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया, इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वनरोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। मृदा, पृथ्वी के परस्पर धानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। ये भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है, स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपेक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ याद रखना। उससे पहले इधर एक बार ये देख लेते हैं, भूसंकलन क्या होता है। ये देखो डिजास्टर मैनेजमेंट का ज्योग्राफी में पूछ लेता है, डिजास्टर मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भूसंकलन को सामान्य रूप से सेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के भरत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूसंकलन होता है। यह नदी प्रवाह को समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूसंकलन एक मुख्य और विशिष्ट रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है, जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता के एक मुख्य विषय है। एक विस्तृत अध्ययन जैसे स्टडी है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकोंग पीओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूसंकलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 को पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क को 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। यह भूसंकलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण डाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गाँव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुँची। पंजी गाँव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली कर दिया गया। अब ये इम्पोर्टेंट है, कभी जब आओ तो ये लिख सकते हो। न्यूनीकरण क्रियाविधि, वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास में से हमें समझने की शक्ति मिली है।
कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने के लिए कुछ प्रक्रिया निम्न है, ये चीज़ याद रखनी है। डायरेक्ट ये 4 पॉइंट लिखोगे, मेंस में सारे सारे नंबर मिलेंगे। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना, इस प्रकार इन क्षेत्रों का आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। मतलब आप उसमें भाई जोन डिसाइड कर दो कि कौन ज़्यादा रेड जोन में है, तो वहाँ मकान जैसी एक्टिविटियाँ नहीं होनी चाहिए। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारित दीवारों का निर्माण करना, ऐसी दीवारें बनाना ताकि ये जब मलबा आए तो सड़क पर चलने वाले लोग बच जाए। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि करना है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। सतही अपवाह तथा झरना प्रभाव के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठ अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। ये 4 पॉइंट लिख के आ जाओगे, पूरे पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब आ जाओ मृदा परिच्छेदी का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, आगे जाके और आएगा। देखो जनक चट्टानें होती है, फिर उसके ऊपर अपेक्षित चट्टाने पदार्थ होता है। यहाँ देखो ये बालू घात कले के साथ उपमर्दा होती है, ये अपन मोस्टली अपन ये पार्ट वाला देखते हैं, और इसी पे ही हामोस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ याद रखना। अपक्षय क्या होते हैं? तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृतित सेलों का टूटना और क्षय होना अपक्षय कहलाता है। क्या आप जानते हैं कि केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं? अब देखो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंस और पीटी दोनों के लिए। देखो सबसे पहले कौन सा कारक सबसे पहले इंपॉर्टेंट है? जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और हामोश निर्माण की दर को प्रभावित करता है। ठीक है, समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव हामोश निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उचाव, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। जनक सेल रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करते हैं। तो याद रखना पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो ये भारत में जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थलीय पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती है। विभिन्न प्रकार की मृदाओं की एक एक मुक्ति करती कीजिए। ये चीज़ रखना, भारत में इस टाइप की मृदाएँ पाई जाती है, बस ये चीज़ याद रखना। जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थलीय, एजुकेशन क्वेश्चन भी पूछे। मृदा निर्माण के कारक फैक्टर क्या होते हैं? मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलवायु कारक है, याद रखना ये चीज़। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय अलग अलग स्थानों में भिन्न भिन्न है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के कुछ उपाय, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीटी प्लस में। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदा का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़। मृदा संरक्षण की कुछ विधियाँ है, याद रखना ये सॉल्यूशन वाला पार्ट में आ जाएगी। मल्च बनाना, पौधों के बीच अनावृतित भूमि जैव पदार्थ से जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, उसे मृदा को आर्द्रता रुकी रहती है। वेदिका फॉर्म, समुच्चय रेखे जुताई, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। रक्षक मेखला, अरे गवर्नमेंट ने भी मेड़ पे पेड़ लगाओ प्रोग्राम शुरू किया था। वेदिका फॉर्म, चौड़े समतल सोपान तथा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रभाव मृदा अपरदन कम होता है। ये देखो समुच्चय रेखे जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समुच्चय रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करते हैं। रक्षक मेखलाएं, तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेश में पवन गति को रोकने के लिए वर्ष कतार में लगाए जाते ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। समुच्चय रेखे रोधिकाएं, समुच्चय रेखे रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती है। तो ये बता रहा देखो कैसे पेड़ों का इंपॉर्टेंस है। अगर ये नहीं होगी देखो कैसे कितना सोइल खराब हो जाएगा, और ऐसे पेड़ उगा देते हैं तो उसे कितना फर्क पड़ता है, बस इतना है। चट्टान बांध क्या होता है? यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। ये नालियों की रक्षा करते हैं, मृदा को क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगाई जाती है। क्या आप जानते हैं वर्ष 1950 मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3,850 घन किलोमीटर प्रतिवर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6,000 घन किलोमीटर प्रतिवर्ष भी से भी अधिक हो गई, और अभी तो और ज़्यादा अधिक हो गई होगी। आप जो छोटा छोटा मान लो कि ऐसे बूंद बूंद गिर रहा है, तुम्हें पता है एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है, इसलिए बोलते हैं वाटर कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ की 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए और विविध प्रकार के पौधों जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादर और हिमानियों के रूप में है। ये याद करो, इस टाइप क्वेश्चन हो तो उधर तो पूरा फैक्ट दिया ही था, यहाँ पे भी दिया है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया दो बार। अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति कारण मनुष्य के पहुँच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। ये भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठ जल के रूप में तथा वायुमंडल जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि वाष्पीकरण, वर्षण और वाहक की प्रक्रिया द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं, इसे जल चक्र कहते हैं। अपन पढ़े थे 7th क्लास में, पहला चैप्टर ही। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योगों तथा बांध के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतें सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर। क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना है? सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाली अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। इस टाइप के ऐसे स्टडी बना के आप ऐसे में कहीं पे भी डाल सकते हो। जल उपलब्धता की समस्याएं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। बहुत सारे कारण है कि मान लो प्राकृतिक रीजन से वहाँ बरसात नहीं हो रही है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो गया है, या ये मान के चलो कि पॉल्यूशन कर दिया। जैसे देखो, यमुना नदी वाहित मल औद्योगिक बहिस्त्राव कचरे के कारण प्रदूषित हो रही है। अभी पीने योग्य पानी है, सोचो ये कचरा बन गया है, कोई मतलब ही नहीं। जल संसाधनों का संरक्षण। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुँचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यदि भी जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और उस प्रदूषण इसे उपयोग के लिए उपयुक्त अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकाय में औद्योगिक भरे स्त्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं, जिनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। ये चीज याद रखना। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व भी स्त्राव को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहणीय पृष्ठ प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाले जल की सतह को रोकने के लिए क्षेत्रों को स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना, मतलब फुहारा सिंचाई जो हो गया। अधिक प्रभावी विधि है वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेश में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। ये देखो, अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्रित करके जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा को 8,000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और यही है इसका सॉल्यूशन है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। स्कूल के बच्चे अस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया, उत्साह से कहा, एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, ये जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों दीप छात्रों और खुशियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी है। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आदि प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जैसी रेशमी स्कॉर्प देखकर उत्साहित थी। यह खूबसूरत स्कॉर्प
स्कार्फ। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं। रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। यदि को सारा इम्पोर्टेंस दिया है, इनका क्या इम्पोर्टेंस है? भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। हमें फल, लैक्टेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं जो आपको अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों के असंख्य उपयोग है, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। अब जैसे देखो, ये ब्रह्मा कमल एक औषधीय बूट है, ये चीज़ याद रखना। और किली कला किंगफिशर, ये जो किंगफिशर जो शराब की है उस पर यही छिपा है। अब देखो, ये गिद्ध का क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा भी है 2021 में जाके देखो। भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार नहीं होता, ये 2013-14 में पूछा गया है। उपचार डिक्लोफेनिक, एस्प्रिन अथवा इब्रोप्रोफेन जैसे पीड़कनाशी से किया जाता है था। उसके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग में करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं, यही यूपीएससी क्वेश्चन है 2013-14 में पूछा था। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। इन उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देते हैं, फूलों के प्रांगण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये चीज़ याद रखना। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है, ये चीज़ याद रखना। चिड़िया अपघटक के रूप में काम करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण को महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है, ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी पारितंत्र को संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है, ये चीज़ याद रखना। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को चार वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल, गुलम और टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वर्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, वैसे वैसे वर्षों का आकार, उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वर्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। याद करो, यूपीएससी में 2013 में क्वेश्चन पूछा और 2021 में क्वेश्चन आया था। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ गुलम उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्र में पौधों की जड़ें गहरी होती है। वाष्प सृजन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है, 2018 का भी क्वेश्चन है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंडा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। पिछले 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवन का संरक्षण। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न है, कुछ लुप्त होने के कगार पर है। वनोन्मूलन, मृदा प्रदन, निर्माण कार्य, दावानल भूसंकलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक है जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या को बढ़ना है, जिसमें कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ सिंगों के एकत्रीकरण और गैरकानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। इनमें से कुछ जंतु है जैसे चीता हो गया, शेर हो गया, हाथी हो गया, ब्लैक बग हो गया, मगरमच्छ हो गया, दरियाई घोड़ा हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, शुतुरमुर्ग और मोर। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। इसे ब्लैक बग की सुरक्षा की आवश्यकता है। राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभ्यारण्य जीव मंडल नीचे हमारे प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सक्रिय घाटियों, झीलों, आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है।
देखो यहाँ पे चलो, दावनल प्राणी जाता वनस्पति जाति के संपूर्ण क्षेत्र के लिए खतरा है। दावनल मुख्य रूप से तीन कारणों से घटित होता है, तड़ी झंझा के कारण प्राकृतिक अग्नि का आग लगना, ये चीज़ याद रखना, लोगों की लापरवाही के कारण घास फूस में जनित ऊष्मा के कारण अग्नि का आग लगना, स्थानीय लोगों उद्यमी शरारती लोगों द्वारा किसी उद्देश्य से आग लगाना, नियंत्रण के क्या उपाय हो सकते हैं, शिक्षण द्वारा अग्नि लगने से रोकना, परीक्षण बिंदु निपुण भूमि चौकसी तथा संचार जाल के समन्वित जाल द्वारा अग्नि लगने को शीघ्र पता लगाया जा सकता है। और यही तो देखो ना, हमेशा फॉरेस्ट में आग लगती ही है। जो राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, क्या हुआ? ये छोटी पत्तियों वाले जो पेड़ होते हैं ना सर, उनको शायद अवॉइड करती है सरकार, वो कहते हैं बड़े पत्तों वाली लगाओ, उससे क्या होगा? उससे जंगल में आग कम लगते हैं सर। छोटी पत्तियों से? हाँ, छोटी पत्तियों से आग लगते हैं, बड़े पत्तियों से नहीं लगते हैं। अच्छा ठीक है। अरे पत्तियों में ना घिसाव के कारण भी आग लगती है। चलो, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र है राष्ट्रीय उद्यान। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग नहीं किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवास में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षी और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो विलुप्त हो गए या विलुप्त होने के कगार पर है। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी, ये चीज़ याद रखना, वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है, ये चीज़ याद रखना। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी, इसके भी पिछले क्वेश्चन पूछा था, CITES साइट्स, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फॉन एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों के अनेक जातियों की सूची तैयार की। याद रखना, प्राणियों और पक्षियों की इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। ठीक, चलो भाई, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आते हुए जो जीवमंडल नीचे क्या होता है, यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों का एक संकलन है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। अब देखो, UPSC डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, साइट्स के बारे में पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। साइट्स क्या है? सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, पहली बात तो ये चीज़ याद रखना, डायरेक्ट ऐसे स्टेटमेंट दे दिया जाता है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणियों एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को खतरा ना हो, ये पूछा जाता है। अहम मोटे तौर पर पशुओं की 5,000 जातियाँ, पौधों की 28,000 जातियाँ रक्षित की गई है। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, ऑर्किड और एलो ऐसे कुछ उदाहरण हैं, तो ये चीज़ याद रखना। चलो, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं? अमित बताइए। आर्द्रता और ये, अरे मैंने बताया भी था कि आर्द्रता है एक, और ये और क्या आएगा? आर्द्रता आएगी ओनली, जलवायु और आर्द्रता ऐसे करके लगता है। अच्छा, तापमान कौन बताएगा? अगर ये तापमान और आर्द्रता, वर्षण हो गया, तापमान हो गया। चलो, भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण बताइए सना। नगीन आप बताइए। मृदा अपरदन, वनोन्मूलन, छेड़ता और वो था कीटनाशकों का अनावश्यक उपयोग, अधिक उपयोग और वर्षा। ठीक है, भूमि का दो भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? पूजा,
पूजा छोटी। सर हाँ बता पूजा। सर सर भूमि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए खाना पीना मतलब सब कुछ इसी से प्राप्त होता है, इसलिए इसके बिना भूमि के बिना हम नहीं रह सकते। ठीक है अगले को बताइए। पूजा किन्हीं दो सोपानों के नाम बताए जिन्हें सरकार ने पौधों प्राणियों की संरक्षण के लिए आरंभ किया है, बताइए। सर एक राष्ट्रीय उद्यान जो कि जैव मंडल के लिए किया था, उसके बाद कटाई पे मतलब जैसे कि एक शिकारी जो जंगल में शिकार करते हैं और वह उनका कटाई करते, इसके लिए भी रोक लगाया है। अरे जैव मंडल नीचे और राष्ट्रीय उद्यान बनाएंगे। ठीक है चलो नूरी जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। जी सर, बताइए जल संरक्षण तरीके कैसे करोगे आप। होगा वो ड्रिप्स वाला जो होता है, ड्रिप करके करते हैं, और जो वैसे शोधित जल और स्प्रिंकल जो होता है जैसे फवारेदार बारिश करके मतलब खेतों में डालते हैं, वैसे सब कर सकते हैं। छोटी तुम बताओ। सर छोटी और कौन कौन है यहाँ पे। अरे जल संरक्षण के 3 तरीके एक तो इसकी ड्रिप सिंचाई आ जाएगी सर, और और जैविक कृषि में आ जाएगा सर, उर्वरक का कमी उपयोग रेन वाटर जल हार्वेस्टिंग। हो जाएगा सर, जल प्रदूषण जीवों को द्वारा कम किया। क्या हो जाएगा ये तो बताइए। अरे जल संरक्षण कैसे करोगे एक तो सर बता। पहले तो वर्षा का पानी इकट्ठा करना, वर्षा का पानी इकट्ठा करना, दूसरा हो जाएगा बूंद बूंद सिंचाई विधि अपनी खेती में यूज करना, और उसी खेती में है एक स्प्रिंकलर वाली जिसका फोटो भी दिया है एनसीईआरटी में, वो यूज करना। वृक्षारोपण ठीक है भी तो कर सकता हूँ हाँ चलो मैंने, ठीक है। अच्छा वो भूमिगत पान निम्न में कौन सा कारक मृदा का निर्माण कर नहीं है, नूरी बताइए। मृदा का गठन, दूसरा ठीक है निम्न में कौन सी विधि तीव्र डालों पर मृदा प्रदर्शन रोकने के लिए सर्वाधिक है, अमित। ये एक रक्षक मेखला होगा सर। सर्वाधिक उपयुक्त है सर क्या गा होगा मृदा कृषि, होगा, वेदिका कृषि होगा ना, वेदिका कृषि होगा ये तीव्र डालों के लिए पूछ रहा है अमित। चलो निम्नलिखित में कौन सा प्रकृति संरक्षण के अनुकूल नहीं है, नगीना। प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं हो, नलकूप की बात ये होगा सर, खा वाला तुरंत बंद कर देना चाहिए, ये तो अच्छी बात है ना। अनुकूल नहीं है तो खरीदार के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए, चलो ग वाला सर। इसका बताइए नूरी। जी सर, हम भूमि उपयोग होगा, भूमि का उत्पादन वही ये होगा भूमिगत भूमि उत्पादन का उपयोग। हामुस क्या उत्पादन होगा। उपयोग ये होगा, ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ, चट्टान बांध क्या होता। मृदा अपरदन को रोकना, जैव मंडल क्या होगा। होगा कृषि के लिए अरे ये आएगा जैव मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के बीच की जुड़ा सकता है। चलो ठीक है सत्य और असत्य बता रहा ना कि ना। भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है, सत्य है असत्य सत्य है सर, क्यों। क्योंकि हाँ सत्य है क्योंकि सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं आवास के लिए यहीं पर उपलब्ध है। चलो ठीक है अमित। भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है, सही है गलत। जी कम हो रही है सर। कारण एक कारण है सर कि नदियों का सही तरह से वो नहीं किया गया है, पानी है तो लेकिन वो महासागरों में जा रही है सर।
जल प्रदूषित कर रहे हैं। चलो ठीक है। नूरी, तटीय क्षेत्र में पवन को गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं जिसे बीच की फसल उगाना कहते हैं, ये सही है गलत? अरे देखा तो रक्षक मेखला जो बनाया गया इसलिए तो बनाया गया। चलो नगीना, मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं, सही बात है ये? कार्यक्रम को व्यवस्थित नहीं रख सकते, क्योंकि अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो उससे नुकसान भी हो सकते हैं, और मानवीय हस्तक्षेप ज्यादा बढ़ गया तो वो संसाधनों का इतना दोहन कर सकता है कि वो पर्यावरणीय दशाओं की वो दशा में बदल सकते हैं उसको, जो आज हो भी रहा है। चलो ठीक है, तो ऐसे के लिए रेडी हो जाओ सब लोग।